राजस्थान रोडवेज के नए सीएमडी राजहंस उपाध्याय मंगलवार को परिवार के साथ अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बस स्टैंड पर निरीक्षण की खानापूर्ति भी की। 5 मिनट के निरीक्षण के बाद सीएमडी ने रोडवेज अधिकारियों से बातचीत की और वहां की व्यवस्थाओं को जाना। इस दौरान श्रमिक संगठनों ने भी विभिन्न मांगों को लेकर मुलाकात की। राजस्थान रोडवेज के सीएमडी बनने के बाद राजहंस उपाध्याय पहली बार अजमेर पहुंचे थे। परिवार के साथ अजमेर पहुंचे सीएमडी ने अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड का निरीक्षण किया। हालांकि निरीक्षण कुछ देर का ही था। केंद्रीय बस स्टैंड की हालत देखकर उन्हें इसे सुधारने की बात कही। सीएमडी राजहंस ने रोडवेज अधिकारियों से बातचीत की। श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सीएमडी राजहंस से मुलाकात की और उन्हें रोडवेज कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराया। कर्मचारियों का कहना है कि रोडवेज में ना तो बोनस मिल रहा है और ना डीए। यहां तक कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 4 साल से ग्रेच्युटी भी नहीं दी गई है, जिससे रोडवेज के वर्तमान और पूर्व दोनों ही कर्मचारी काफी परेशान हैं। कर्मचारियों ने रोडवेज को निजी हाथों में देने का विरोध भी किया। वहीं नई बसेस खरीदने, खाली पड़े पदों को जल्द भरने की भी मांग रखी। इन सभी सवालों पर जब सीएमडी से बात करना चाहा तो उन्होंने मीडिया को नहीं बुलाने की हिदायत दे डाली। आज रोडवेज में सभी श्रम संगठनों ने हमारे जो है सीएमडी साहब से मुलाकात की और उन्हें रोडवेज में ज्वलंत समस्याओं से अवगत करवाया गया है, जिसमें वर्तमान में जो हमारे अनुबंधित बसें राजस्थान परिवहन निगम में मुख्यालय से जो अनुबंध किया जा रहा है उन पर रोक लगाने की मांग की गई है और साथ ही में नई भर्ती और नई बसें क्रय करने के लिए भी सीएमडी साहब से निवेदन किया है और सीएमडी साहब ने इसमें स्वीकृति प्रदान की है और कहा कि अति शीघ्र ही इन सभी समस्याओं का निराकरण हो। आज हमारे जो नए सीएमडी साहब जयपुर से पधारे हुए हैं, हमने उनका हार्दिक स्वागत किया सभी श्रम संगठनों ने। विशेष तौर से हमने कर्मचारी हित की बात, जो हमारा बकाया डीए है जिसपे हमारी सारी अब तक जो आंदोलन हो रहे हैं, डीए का बकाया और कर्मचारियों की भर्ती, नई गाड़ियों की खरीद और 7वां वेतन और विशेष तौर से बोनस जो अभी तक नहीं दिया गया है, सीएमडी साहब से कहा गया। सीएमडी साहब ने कहा मैं इस पर सब कुछ तो नहीं पर जल्दी से जल्दी कुछ मांगों पर आपका जल्दी से जल्दी कार्रवाई करूँगा और बाकी जो समय होते हुए मैं पूर्ण करूँगा, आपको मैं सहयोग देता हूँ। हमारे सभी श्रमिक संगठन मिले, सीएमडी साहब से निवेदन किया कि दोनों तीनों आगार में क्रू की कमी है तो क्रू की पूर्ति की जाए। साहब ने आश्वासन दिया कि जल्दी आपको क्रू उपलब्ध कराया जाएगा और अजमेर कोटा मार्ग पर जो नाइट सर्विस जाती है उसमें रात्रि भत्ता चालक प्रचालक को नहीं दिया जा रहा है, जबकि अजमेर दिल्ली मार्ग पर उसी नाइट गाड़ियों में चालक प्रचालक को भत्ता दे रहे हैं, तो साहब ने सेम भत्ता दिलाने के लिए आदेश मौखिक आदेश प्रदान करा। यहाँ लेंगे एक और ब्रेक। ब्रेक के बाद आगे है 2 कानूनी सेवा क्लिनिक का उद्घाटन। इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।